गाइस, जेम डिविलियर्स प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए। 2BHK का एक बहुत ही स्पेशियस फ्लैट लेकर आया हूं। आप पीछे मेरे कुछ सीन्स देखकर आइडिया लगा सकते हैं कितना स्पेशियस ये फ्लैट बना है। 70 स्क्वायर यार्ड में ये फ्लैट है। और अगर लोकेशन की बात करूँ तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के बहुत ही नियर बाय ये फ्लैट रहने वाला है। प्राइस भी जो है बहुत ही रिजनेबल है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। सो आप वीडियो को पूरा देखिए और प्राइस भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे कहना चाहूंगा, जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि न्यू वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फिलहाल जो है हम बिल्कुल हमारे फ्लैट के सामने हैं, लेकिन उससे पहले राइट साइड में आपकी रहेगी लिफ्ट और ये है आपका स्टेयर्स का एरिया। सो स्टेयर्स आप देख सकते हैं बहुत ही वाइड स्पेस के साथ आपकी स्टेयर्स बनी है। और अगर मैं एक फ्लोर पर यूनिट्स की बात करूं तो दो फ्लैट आपको पर फ्लोर पर मिलने वाले हैं। ये सामने एक फ्लैट है और ये आपका फ्रंट साइड का फ्लैट जिसकी आज वीडियो हम देखने वाले हैं। सो एंटर करते हैं हमारे घर के अंदर और देख सकते हैं किस टाइप से ये फ्लैट बना है। जस्ट एंटर करते हैं सो लेफ्ट साइड में आपको ये लिविंग एरिया मिल जाता है। मैपिंग की बात कर लेते हैं, ये आपका लिविंग एरिया है, 2 बेडरूम्स है विद बालकनी, आपका ये बेडरूम रहेगा एंड सेकंड बेडरूम आपका लेफ्ट साइड में। ये आपका कॉमन वॉशरूम है और राइट साइड में आपकी रहने वाली है बहुत ही स्पेशियस किचन। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लिविंग एरिया से। खड़ा हूं मैं अपनी बिल्कुल एंट्री पर और मेरे लेफ्ट साइड में है हमारा लिविंग एरिया। वॉलपेपर की सामने बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही स्पेशियस एक वॉलपेपर आपको इस वॉल पर मिलने वाला है। और सामने आपको स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी इस वॉल पर मिलने वाला है। स्पेस की बात करते हैं तो इजिली आप अपना यहाँ पर सोफा प्लेस कर सकते हैं और इसके अपोजिट साइड में आपका एक टीवी कैबिनेट जो कि बहुत ही सिंपल सोबर एक टीवी कैबिनेट है। यहाँ पर अपना मैक्स टू मैक्स साइज की एलईडी आप इजीली लगा सकते हैं। साथ में आपको एक प्रोविजन मिला है शाफ्ट का ताकि वेंटिलेशन में आपको कोई इश्यू ना हो। और ये है आपका पूरा लिविंग एरिया। स्पेस आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड और वाइड स्पेस के साथ आपको ये लिविंग एरिया मिलने वाला है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन हम देख लेते हैं एक बार। सो सर्कल शेप में आपको ये फैन का प्लेस मिला है और साथ में ही ये झूमर का जो प्रोविज़न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के साथ जो है आपकी ये फॉल सीलिंग रेडी की गई है। सो ये था आपका लिविंग एरिया और सामने है हमारी बहुत ही स्पेशियस किचन। किचन एक बार देख लेते हैं, पहले आप स्पेस देख लीजिए किचन का। सो वन टाइम पर 2 से 3 लेडीज इजीली यहाँ पर स्टैंड हो सकते हैं, आराम से वो काम कर सकते हैं। और ये आपको सामने मिलने वाली है चिमनी। चिमनी हमारी हर बिल्डिंग में आपको ऑलरेडी फिक्स मिलेगी ही। सो इसमें भी हमने आपको चिमनी का प्रोविज़न ऑलरेडी करवा दिया है। और यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं जिनमें आप इजीली अपना सामान रख सकते हैं। सभी जो स्पेस हैं आपके किचन के सामान के लिए क्रॉकरीज वगैरह रखने के लिए अवेलेबल हैं। सो आप इजीली यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। नीचे भी आपको एक कैबिनेट्स देखने को मिल जाएंगे और ये सिंक का प्रोविज़न भी आपको किचन में मिलने वाला है। सो ये आपकी ओपन और बहुत ही स्पेशियस किचन है। और फिलहाल मैं इसके यहाँ पर राइट साइड में वॉल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ फोटोज़ का एक फ्रेम मिलने वाला है जो कि आपके इस वॉल को एक यूनिक लुक प्रोवाइड करने वाला है। सो ये है हमारी एंट्री।
हमने हमारा लिविंग एरिया देखा और इसके अपोजिट साइड में जो है हमने हमारी किचन देखी। वॉशरूम में लिए चलता हूँ मैं आपको, उससे पहले मैं इंटरकॉम की फैसिलिटी भी आपको बता दूँ जो कि हमारी हर बिल्डिंग में हर प्रॉपर्टी पर रहती है, सो यहाँ भी अवेलेबल है। एक बार आप हमारा कॉमन वॉशरूम आप देख सकते हैं। सैनिटरी फिक्सर्स ऑलरेडी इसमें आपको लगकर मिलने वाले हैं, गीजर का प्रोविजन ऑलरेडी करवा दिया है एंड आपको वेंटिलेशन के लिए ऊपर विंडो भी इसमें मिलने वाली है। स्पेस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ आपको ये वॉशरूम मिलने वाला है। सो फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम की, जो कि विद बालकनी है और बहुत ही वेंटिलेटेड ये रूम है। एंटर करते हैं हमारे रूम के अंदर। जस्ट एंटर करने के बाद आपको राइट साइड में एक डेकोरेटेड वॉल मिल जाएगी। फिलहाल इस रूम की जो कलर थीम है वो येलोइश लाइट के साथ और फ्लोर्स की थीम है, सो वॉलपेपर भी हमने इसी टाइप का यूज़ किया है। हमारे सभी वॉलपेपर 3D लुक में मिलेंगे एंड प्रॉपर वाटरप्रूफ मिलेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ में एक फैंसी लाइट भी मिल जाती है जो कि आपके इस वॉल को बहुत ही अच्छी एक लुक प्रोवाइड करने वाली है। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगी एक वार्डरोब। माइका जो हमने यूज़ किया है प्रॉपर वुडन में यूज़ किया है, सो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही अलग टाइप का एक डिज़ाइन आपको इस वार्डरोब को मिलने वाला है। और स्पेस भी आप देख सकते हैं, डबल पार्टीशन की ये हमारी वार्डरोब है जिसमें आप इजीली अपने क्लोथ्स एंड डॉक्यूमेंट्स शूज़ सब कुछ कैरी कर सकते हैं। इसमें भी आपको सामने एक मिल जाता है टीवी कैबिनेट जो कि बहुत ही अच्छी लुक के साथ हमने रेडी किया है। टीवी कैबिनेट अगर हम देखें तो यहाँ आपको इसके बिल्कुल आउटर पर एक येलोइश कलर में एक लाइट LED लाइट मिलने वाली है जो कि इसको एक बहुत ही बेटर लुक प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड केबल का प्रोविज़न भी इसमें आपको मिल जाएगा, सो आपको जस्ट यहाँ पर अपना LED प्लेस करना है। अभी इसकी फॉल सीलिंग भी मैं आपको दिखाता चलूँ। सो यहाँ फॉल सीलिंग्स में आपको जो है सर्कल शेप में कुछ डिज़ाइन मिल जाएंगे, बीच में आपको फैन का प्रोविज़न मिलने वाला है और आपकी ये LED लाइट। आउटर पर आपको जो है कोब लाइट का वर्क देखने को मिलेगा और बीच में आपको LED लाइट जो कि बहुत ही एक अच्छी लुक आपकी फॉल सीलिंग को भी देने वाली है। फिलहाल मैं बात करता हूँ इसकी बालकनी की, लेकिन उससे पहले वेंटिलेशन के लिए जो विंडोज़ प्रोवाइडेड है उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपना विंडो AC इजीली लगा सकते हैं और नीचे भी विंडोज़ आपको प्रोवाइड है, सो आप इजीली इनको ओपन कर सकते हैं। और साथ में है आपकी बालकनी। सो बालकनी आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है अच्छा, जहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन इजीली रख सकते हैं। स्विचेस का एंड पानी का प्रोविज़न ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आप इसको वॉशेबल एरिया भी बना सकते हैं। और स्पेस आप देख सकते हैं, तो इवनिंग के टाइम में आप अपना बहुत अच्छा एक टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम विद बालकनी। अभी हम चलने वाले हैं लिविंग एरिया से होते हुए हमारे सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में जस्ट एंटर करते हैं, सो आपको लेफ्ट साइड पर अगेन एक बहुत ही यूनिक लुक के साथ एक वॉलपेपर मिलने वाला है। लुक की बात करूँ तो 3D लुक है और वॉशेबल है, कभी भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। एक आपको फैंसी लाइट यहाँ भी मिल जाती है और इसकी फॉल सीलिंग हम देख लेते हैं। सो स्क्वायर शेप में आपको जो है इसका डिज़ाइन मिलने वाला है, बीच में आपको फैन का प्रोविज़न किया गया है, आउटर पर आपकी कोब लाइट्स एंड बीच में आपको LED लाइट का प्रोविज़न इस फॉल सीलिंग में मिलने वाला है। और बिल्कुल सामने है हमारा इस रूम का टीवी कैबिनेट। टीवी कैबिनेट में आपको जो है ब्लॉक्स मिल जाते हैं कुछ, जहाँ पर आप इजिली अपना कोई भी सामान कैरी कर सकते हैं। ऊपर भी एक आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप अपना सेटअप बॉक्स वगैरह कुछ भी सामान इजिली रख सकते हैं। और टीवी कैबिनेट का स्पेस आप देख सकते हैं, वाइड टू वाइड साइज़ के आप LED यहाँ पर इजिली लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड केबल का प्रोविज़न भी इसमें आपको मिल जाएगा। विंडो AC का प्रोविज़न ऑलरेडी इसमें है एंड विंडो भी आपको इसमें प्रोवाइड की गई है, सो वेंटिलेशन को लेकर आपको कोई इशू नहीं होने वाला। साथ में हम देख लेते हैं हमारी इस बेडरूम का वॉशरूम।
सो वॉशरूम एक बार आप देख ले। सैनिटरी फिक्चर्स ऑलरेडी इसमें भी आपको लगकर मिलने वाले हैं। टाइल्स का वर्क एक बार आप देख सकते हैं, जो डिज़ाइन इसमें आपको मिलने वाला है प्रॉपर वाइट जो है हमारी सभी टाइल्स रहने वाली हैं, और बीच में आपको जो है ब्लैक एंड वाइट टाइल्स का वर्क देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको गीजर के पॉइंट मिलेंगे, वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइडेड है, और सैनिटरी फिक्चर्स ऑलरेडी आपको इसमें लगकर मिलने वाले हैं। स्पेस आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ आपको ये वॉशरूम मिलने वाला है। और ये था आपका पूरा सेकंड बेडरूम। सो 2BHK फ्लैट का आपने टूर कर लिया, आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपको ये फ्लैट कैसा लगा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर हमें बता सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टीज और किस तरीके के फ्लैट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ताकि हम उसी टाइप के फ्लैट्स, उसी टाइप की वीडियोज आप सभी के लिए लेकर आते रहें। फिलहाल मैं इस प्रॉपर्टी की कुछ स्पेसिफिकेशंस और अमेनिटीज की बात करूं तो आपको लिफ्ट मिल गई है, कार पार्किंग इसमें मिलने वाली है, और स्टेयर्स भी मैंने आपको ऑलरेडी इसमें दिखा दी है। नियर बाय अगर मैं मार्केट्स एंड सोसाइटी की बात करूं तो आपको नियर बाय ही स्कूल कॉलेजेस भी मिलने वाले हैं, मार्केट्स भी आपको नियर बाय, बहुत नियर बाय मिलने वाली है। इन फ्यूचर आपको इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्राइस की बात करूं तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है प्राइस, आप चेकआउट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के फ्लैट्स एंड किस तरीके की वीडियोस इन फ्यूचर में चाहिए। फिलहाल मैं आपसे अलविदा लूंगा, मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो, न्यू फ्लैट और न्यू प्रॉपर्टी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचकर रहिए, और मुझे दे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।